सोलन में कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जिसमें पूर्व महासचिव जिला कांग्रेस रोहित शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने नीरज भारती की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा सरकार पर कई निशाने साधे और कहा कि भाजपा विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए देशद्रोह जैसे कानून का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी भाजपा के खिलाफ आवाज उठाता है उस पर देशद्रोह का मामला बनाकर उसकी आवाज को खामोश करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में भाजपा नेताओं ने देश के राष्ट्रपिता से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, मनमोहन सिंह के अलावा अन्य नेताओं पर भी अभद्र टिप्पणियां की, लेकिन उन पर देशद्रोह के मामले दर्ज नहीं हुए क्योंकि कांग्रेस राजनीति नहीं करती है। उन्होंने कहा कि नीरज भारती ने देश के शहीदों पर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की, वे उनका दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन वे शहीद कैसे हुए ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है, जिस पर तिलमिलाई भाजपा ने उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में क्या देश का नागरिक अपने प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं कर सकता है? इस बात से ये साबित होता है कि भाजपा राष्ट्रद्रोह की आड़ में द्वेष द्रोह की राजनीति कर रही है, जो कि सरासर गलत है। और जिस प्रकार से सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जो देशद्रोह की धारा है उसका इस्तेमाल कर रही है, और नीरज भारती को किस तरीके से उस धारा के अंतर्गत जो है वो अरेस्ट किया गया है उसके लिए थी, मैं कहना चाहता हूं कि जो ये जो नीरज भारती की जो अरेस्ट है वह एक इकलौते अरेस्ट नहीं है। इससे पहले सुप्रिया शर्मा और विनोद दुआ और पूर्व में कन्हैया कुमार के ऊपर भी इस तरह के मामले हुए थे, जिसमें पुलिस को रिपोर्ट सौंपनी पड़ी थी कन्हैया कुमार के मामले में दिल्ली पुलिस को कि ऐसा कुछ नहीं वहाँ पर हुआ था। तो जो हिमाचल प्रदेश सरकार है ये राष्ट्रद्रोह की धारा लगाकर, केवल ये राष्ट्रद्रोह की धारा नहीं है, ये द्वेष द्रोह की धारा है, इसमें अपना जो राजनीतिक द्वेष है वो दिखा रही है। वर्तमान सरकार जो है पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जो मूलभूत मुद्दे हैं उसको भटकाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। राजनीति का स्तर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने 2013-2014 में गिराना शुरू कर दिया था, और जब उनको अपनी ही दवाई का स्वाद चखने को मिल रहा है तो उनको ये बात उनको उनको वो स्वाद बहुत कड़वा नजर आ रहा है। नीरज भारती ने कोई भी बात जो है वो सैनिकों के खिलाफ नहीं कही है, सैनिकों की शहादत पे उन्होंने कोई सवाल नहीं किया है। उन्होंने अगर सवाल किया है तो उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किया है कि अगर चीनी देश में घुसे ही नहीं तो ये वारदात क्यों हुई। रक्षा मंत्री की स्टेटमेंट कुछ और है, विदेश मंत्री की स्टेटमेंट कुछ और है, और प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट कुछ और है। और हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और भाजपा में जो अंतर्कलह है, उन सब मुद्दों को इधर उधर घुमाने के लिए और जनता का ध्यान उन मुद्दों से भटकाने के लिए जो है वो यह साजिश नीरज भारती के खिलाफ की गई। मैं मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से ये मांग करता हूं कि जल्द से जल्द जो है वो नीरज भारती को रिहा किया जाए, उनके ऊपर से ये सारी धाराएं हटाई जाए तथा इस केस को समाप्त किया जाए, अन्यथा जो है कांग्रेस पार्टी जो है सड़कों पे आएगी और आंदोलन करेगी सरकार के खिलाफ।